आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल पंचमीवा लड्डू की रेसिपी। इस लड्डू को आप सिर्फ 7 से 8 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ लड्डू। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन के रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। ये मैंने इस तरह से गोला नारियल लिया था और इसको मैंने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। नारियल मैंने आधा कप लिया है। अब हम इसको मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इसमें जो भी गीलापन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमारे लड्डू ज्यादा दिन तक रहेंगे। आप इस लड्डू को 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये लड्डू बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। करीब 2 से 3 मिनट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नारियल अभी हमारा बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से अभी क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और फिर से हम वही पैन रखेंगे गैस पर और इसमें हम डालेंगे अभी मगज के बीज। ये मैंने 1/4 कप लिए हैं। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे। इस तरह से फूलने तक इसको हमें रोस्ट करना है। करीब 2 मिनट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मगज के बीज बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इस मगज के बीज को भी एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे और फिर से हम वही पैन रखेंगे गैस पर और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, जब हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे। ये मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच गोंद लिया है। 1 चम्मच डालेंगे अभी पैन में और गोंद को हम बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। गोंद को फ्राई करते समय गैस की आंच को बिल्कुल भी हम बढ़ाएंगे नहीं, मीडियम ही रखेंगे गैस की आंच को और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको हम बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं गोंद हमारा बहुत ही अच्छे से अभी फ्राई हो चुका है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे और इसी तरह से बाकी बचा हुआ गोंद 1 चम्मच उसको भी हम फ्राई करेंगे। अब मैंने बाकी गोंद को भी डाल दिया है पैन में और इसको भी हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। इसको भी हम प्लेट में निकालेंगे। अभी भी पैन में थोड़ा सा घी बचा है। अब हम इसी पैन में डालेंगे 1/3 कप। ये मैंने काजू लिए है, ये भी डाल देंगे पैन में और इसको भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से इसमें हल्का कलर आने देंगे। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। आप चाहे तो काजू की जगह पर कोई और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। गैस की आंच को मीडियम रखा और इसको मैंने करीब 2 मिनट तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हल्का कलर आ चुका है। इसको अभी हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। आप चाहे तो काजू की जगह पर बादाम भी ले सकते हैं। और अब हम इसी पैन में डालेंगे 1 कप मखाने। मैंने यहाँ पर 1 कप भर के मखाने लिए हैं। इसको भी हम पैन में डालेंगे और मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए इसको भी हम क्रिस्पी होने तक अच्छे से भून लेंगे। अभी पैन में बिल्कुल भी घी नहीं है, इसमें हल्का गीलापन है घी का, उसी में हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मखाने का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं मखाना हमारा बहुत ही आसानी से अभी टूट रहा है, मतलब ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये सारी चीजें अभी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते है मैंने इसी के साथ यहाँ पर 4 इलायची ली है। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से कूट लेंगे। कूटने के लिए मैंने इस तरह से उखली का वापर किया है। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसको पीस सकते हैं। काजू का हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हमें दरदराई रखना है। मुंह में आते हैं काजू तब बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए अगर आप मिक्सर में पीसेंगे तो उसको आप दरदरा सा पीस लीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते है इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है काजू को। अब हम बाकी बचे हुए गोंद को और मखाने को इसी तरह से कूट के प्लेट में निकाल लेंगे और इलायची का भी पाउडर बना के इसी में हम मिक्स करेंगे। देखिए मखाने को भी मैंने इस तरह से कूट लिया है और इसको भी हम प्लेट में निकालेंगे। अब हम इलायची को भी अच्छे से कूट लेंगे, इसका हमें बहुत ही अच्छे से पाउडर बनाना है। इलायची का हम इस तरह से छिलका उतार के इसका हम पाउडर बनाएंगे।
देखिए इस तरह से रेडी हो चुका है इलायची का पाउडर और अब बचा है गोंद। गोंद को भी हम बहुत ही अच्छे से अभी कूट लेंगे। गोंद हमने बहुत ही अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बारीक हो रहा है गोंद। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे गोंद और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा गोंद इस तरह से मैंने कूट लिया है। इस गोंद को भी हम इसी प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसी सामग्री में डालेंगे एक कप मावा। ये मावा मैंने घर में ही बना के रेडी किया है। इस मावे को बनाने के लिए मैंने एक कप मिल्क पाउडर में एक कप दूध मिलाया है और इसी के साथ दो चम्मच घी मिला करके इसको मैंने बहुत ही अच्छे से पका लिया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मावा मैंने बहुत ही अच्छे से पकाया है, ये बिल्कुल भी व्हाइट नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप तगार यानी कि बूरा। अगर आपके पास ये तगार नहीं है तो आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चीनी डालनी है तो चीनी को आप बहुत ही अच्छे से पीस लीजिए और उसके बाद ही इसमें डालिए। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से अभी मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी हम यहाँ पर एक एक चम्मच करके डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे तब हम घी नहीं डालेंगे। पहले मैंने एक चम्मच घी डाला है और इसको हम बहुत ही अच्छे से हाथ से अभी मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपको ये लड्डू तुरंत खाने हैं तो आप इसमें 2 चम्मच दूध मिला करके भी इसके लड्डू बांध सकते हैं, लेकिन मुझे इसको 15 से 20 दिन तक रखना है, स्टोर करना है, इसलिए मैं इसमें घी मिला रही हूँ। देखिए मैंने 2 चम्मच भी डाल दिया है और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। घी मैंने इसमें पूरे 4 चम्मच डाले हैं और लड्डू हमारे अभी अच्छे से बन रहे हैं। तो हम इस तरह से इसके लड्डू बना करके रेडी करेंगे। देखिए लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। ये लड्डू हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसे हमें जरूर खाना चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना करके रेडी करूंगी। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।